फ्रेंड्स, मैं उदिति पराग शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिव माइंड। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में रहकर सुरक्षित रहकर आप त्यौहार मनाइए। और अब बात करते हैं अपने आज की वीडियो के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी गाइस, दिवाली है, दिवाली यानी कि दीपोत्सव। अगर दिवाली में हम दियों की ही बात ना करें तो फिर दिवाली कैसी। मैंने आपको कैंडल्स वगैरह तो सारी शेयर करी है, बट मैंने दिए नहीं शेयर किए। मार्केट में बहुत सारे अट्रैक्टिव दियास मिलते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दिया बताऊंगी, वो दिया मेकिंग जो बताऊंगी, वो एकदम इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली और इतने खूबसूरत है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आटा दिया बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा ही चाहिए और पानी। गाइस, हम इसे गूंद लेंगे आटे को, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बस उससे थोड़ा सा टाइट रखना है ताकि दिया आसानी से बन जाए। जैसे मैं गूंद रही हूँ वैसे ही गूंदते जाए। पहले थोड़ा पानी कम डालें, ठीक है। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से क्या है, आपको हो सकता है आटा गीला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ और अपने अंदाजे से आप उसको आटा गूंद दें, टाइट टाइट सा। आप देख सकते हैं जैसे मैं गूंद रही हूँ। अगर ये थोड़ा लूज़ हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड कर लिया है क्योंकि हम इन्हें कलरफुल बनाएंगे। तो गाइज़, ये हैं फूड कलर्स, आपके पास जो भी कलर हो फूड कलर, आप उस कलर का बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डालना है। इसे आप आटा गूंदते वक्त भी डाल सकते थे गाइज़, लेकिन मैंने नहीं डाला। इस तरीके से आप डालते जाएँ, नहीं तो जब ऐसे डाल रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा हाथ को गीला कर लें और इसको मिक्सअप करें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन ये अभी चिपक रहा है तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल या जो भी आप खाते हैं वो लगा दें, जिससे आटा आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं। इस तरीके से आप मिक्सअप करके जो भी आपको जिस टाइप के भी कलर के बनाने हैं आप उतने कलर के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन, येलो और ऑरेंज बनाया है और एक मैंने नॉर्मल आटा जैसा होता है ना वैसा छोड़ दिया है। और यहाँ पर कुछ मैंने दालें ली हैं, आप यहाँ पर साबुत दाल भी ले सकते हैं, उनसे हम इसको हम दिए में यूज़ करेंगे। और आप ऐसे एक पेड़ को गोल बनाने के बाद उसको अंगूठी से दबाते हुए राउंड राउंड करेंगे, अंदर थोड़ी सी गहराई करते जाएंगे और दिए का आकार देंगे, जैसे हमारे पास मिट्टी के दिए होते हैं ना गाइस, वैसा आकार देंगे और ये हमारा दिया बन गया। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें कलर नहीं है, कुछ नहीं है। और अब इसे आप चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे हम दाल वगैरह जो भी हमारे पास है, क्योंकि हम आटे का बना रहे हैं तो हम इसमें कोई स्टोन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे दाल से ही डेकोरेट करेंगे। आपके पास जो भी दाल हो, जिस भी कलर की हो, आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं ज़रूरी है जो मैं लगा रही हूँ वही आपको लगाना है। आप इसे डेकोरेट करें, देख लीजिए जैसे मैंने लगाई है, और इसको आप बस थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे तो ये ईजिली चिपक जाएगी। अलग से आपको कोई ग्लू नहीं लगानी है इसके ऊपर, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पे साइड में भी बना सकते हैं, कोई फ्लावर बना देंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे उड़द की काली जो दाल होती है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही करना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ और एक दो डिज़ाइन, जैसे मैं एक डिज़ाइन बता रही हूँ दाल लगा कर, आप कितनी भी डिज़ाइंस बना सकते हैं गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो मैंने बनाई है वही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीच में मैंने मसर की दाल लगा दी और ये प्यारा सा फ्लावर बन गया। ऐसा आप इसमें जितने चाहे बना सकते हैं, देख लीजिए ये मैंने इस तरीके से बनाया और एक बीच में बनाया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सिंपल सा घर में अवेलेबल चीज़ों से बन जाती है। इसे आप रंगोली वगैरह पर कहीं पर भी रख सकते हैं इस टाइप की दिया। उसको आप सेकेंड दिया बनाने के लिए, इस टाइप का जो दिया होता है ना गाइस, हमारे यहाँ पे मेरी मतलब शादी से पहले मेरे मायके में जो है इस टाइप का दिया बनाया जाता था। हम शनिवार को जलाते थे अपने मेन गेट के बाहर शनिदेव जी का दिया, तो इस टाइप का सिंपल ऐसा ही बनाते थे मम्मी। और एक्चुअली इसी दिए को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। अब ये टूथपिक से मैं इसको थोड़ा सा इसमें लाइनिंग करूँगी और एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। आप देखते जाएँ किस तरीके से कर रही हूँ, वैसे ही आप भी करते जाएँगे। हल्का हल्का प्रेस करना है आपको बस एक डिज़ाइन देने के लिए। लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मल ही जलाते थे शनिदेव जी के लिए। और पता है कैसे क्या होता था, जब मैं ऐसा दिया हम लोग रखते थे तो दिया जब जल जाता था, एक्चुअली शायद जलने के बाद उसका जो आटा होता है वो पक जाता होगा, तो हमारे गली में जो डॉगीज़ होते थे ना वो क्या करते थे, दिए को खा जाते थे जब वो बुझ जाता था। तो ये चीज़ ही मुझे दिमाग में आई है,
सोचा मैंने कि हाँ यार ये डॉगीज खा भी जाते थे, पक जाता होगा, इसलिए यहाँ पे मैं फूड कलर डाल। गाइस ये जो ट्रे है कलर ट्रे, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। इसमें हमने सीडी का यूज़ किया और जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना उसके ढक्कनों का यूज़ किया है। हम दोनों मिलकर ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कलर्स घोल लिए हैं और जो मैंने लाइनिंग बनाई थी वहाँ पे मैं ईयरबड से इसको डॉट डॉट लगा दूँगी, डिज़ाइन बना दूँगी। हाँ देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का सा बस लेना है, ज़्यादा बिखरे ना। फूड कलर्स हैं गाइस, इसमें आप दूसरे कलर ना यूज़ करें क्योंकि आटा है तो ये यूज़ हो सकता है, खा सकते हैं। अब ये जो आप लाइनिंग बनाई है ना इसके अंदर हम ये जो ग्रीन कलर था वो फिल कर रहे हैं इसको, क्योंकि गाय या डॉगी या कोई पंछी भी खा सकता है तो इसलिए आप इसमें दूसरा कलर करके इसको आटे को वेस्ट ना करें, ठीक है गाइस। इसलिए मैंने इसमें फूड कलर यूज़ किया। फूड कलर ना हो तो आप नॉर्मल बनाएं, बहुत प्यारा लगता है, या फिर आप इसमें हल्दी का यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी, तो जब हम दिया जलाते थे ना गाइस तो वो जो बाहर के डॉगीज थे वो क्या करते थे, वेट करते थे कि दिया बुझ जाए ना तो वो इसको खा ले, और जो बाहर गाय होती थी वो भी ऐसा करती थी। तो अभी सडन मेरे दिमाग में यही आया कि अगर हम ऐसे दिया बनाएंगे तो ये सारी चीज़ यूज़ भी हो जाएगी, मतलब दिया का दिया, रोशनी की रोशनी, और ये आटा यूज़ भी हो जाएगा, खा भी लेंगे, और एकदम बजट फ्रेंडली भी है। तो अगर आपको मेरा ये थॉट सही लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। हम देख सकते हैं अभी कितना प्यारा बन रहा है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी लाइनिंग भी कर दी है, आप इसको चाहे जो भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने दिया वही देनी है, बस मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आप इस तरीके से ये सामान यूज़ करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बनाएंगे हम, हमने एक लोई सी बना ली है लंबी सी, उसमें मैंने लीव्स लगाई है कट करके जैसे आप देख रहे हैं, और भी हम इसमें एडिट करते जाएंगे। रोज़ फ्लावर बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपनी कैंडल में बताया था ना वैक्स से बनाई थी, यहाँ पे हम आटे से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो लीव्स लिए हैं वो थोड़ी मोटी लिए हैं, आप पतली भी बना सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो भी साइज़ लिया जा रहा है वो सिर्फ मैं बड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको वीडियो में ईजिली दिखाई दे, छोटी छोटी चीज़ें जब हम बनाते ना तो ईजिली दिखती नहीं है, तो आप इन्हें छोटा भी बना सकते हैं बहुत ईजिली, और बहुत प्यारे लगते हैं और दिखते तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब मैं अपने अंगूठी की हेल्प से जो बीच में हमने लोई सी रखी थी ना जिसके ऊपर हमने लीव्स लगाई थी उसको दबा दूंगी, जिससे इसके अंदर घी या तेल आप जिसका भी दिया जलाएंगे वो चीज़ इसके अंदर रख सकें बत्ती के साथ, थोड़ा ज़्यादा या जितना भी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब वैसे ही एक और दिया बनाएंगे, एक लोई बनाई है हमने, मैंने येलो कलर इसमें लिया है, ये सारे फूड कलर्स ही हैं गाइस। और अब मैं इसको अपने अंगूठे से प्रेस कर दूँगी, आप देख सकते हैं नीचे बेस है, ऊपर मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मैंने प्रेस कर दिया है जिससे एक दिए का शेप आ गया है। आप ऐसे भी जला सकते हैं, ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसमें लीव्स लगा रही हूँ, मैं इसे एक फ्लावर का शेप दे रही हूँ, ठीक है, जैसे सनफ्लावर वगैरह होते हैं ना उस टाइप से, आप कैसा भी दे सकते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ गाइस। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय परंपरा में जो कितने भी आप खूबसूरत दीपक जलाएं लेकिन आटे के दीपक का एक अलग ही महत्व होता है। पहले ये साधारण सिंपल से बनते थे, आप इसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कलर दे सकते हैं, लेकिन आटे के दीपक आपने देखा होगा बहुत सारी पूजा के अंदर होता है, यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी खनक कितने सारा काम कर रही है, उसके अलग ही दिया बन रहे हैं, पर देखिए बच्चे खुश होते हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ काम किया कि हमारी परंपराओं में आटे के दीपक का बहुत महत्व है। बहुत सारी इच्छा पूर्ति के लिए भी हम आटे का दीपक जलाकर पूजा करते हैं, हम शनिदेव का जो दिया जलाते हैं वो भी आटे का होता है, बहुत सारे देवी देवताओं के जो दिए होते हैं वो आटे के बनाकर हम जलाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप ये भी ध्यान रखें कि हमारी जो परंपरा है वो भी कायम रहे, और जो बजट की बात है वो भी गाइस। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का जो मैंने कलर डाला था आटे में उससे मैं एक लीफ बना रही हूँ, और टूथपिक से मैंने उसको दबा दिया था, उसके अंदर मैं वही ग्रीन कलर जो मैंने पानी के अंदर घोला हुआ है उसको लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं फूड कलर ही लगा रही हूँ गाइस, नॉर्मल पेंटिंग वाला कलर नहीं है। अब फ्लावर के साइड साइड में लगा दूँगी, ऐसे ही मैं सारे में लगाऊँगी, आप भी इस तरीके से करते जाएं। यहाँ पे मेरा आटा थोड़ा सा लूज़ हो गया है गाइस, क्योंकि खनक भी मस्ती कर रही थी, उसने थोड़ा सा पानी गिरा दिया था, बट कोई बात नहीं,
तो ये मैंने मैनेज कर लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें मैं हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी शेड दे रही हूँ, लाइनिंग कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा ये और अट्रैक्टिव लगे। तो आपको जैसी डिज़ाइन बनानी है वैसे ही बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ तो करवा चौथ होता है, वहाँ पे भी हम लोग ये आटे का ही दिया यूज़ करते हैं। और भी मैंने बहुत जगह बहुत सी पूजा ऐसी देखी है, शादी ब्याह में भी हम लोग कितना खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेशल कोई दिया लेकर आते हैं। हमारे यहाँ तो आटे के दिए का बहुत महत्व है और वहाँ पे भी हम आटे का दिया बनाते हैं। तो मैंने तो बहुत सारी जगह देखा है, और हम शनिवार को जो जलाते थे उसने तो मुझे कुछ अलग ही इंस्पायर किया कि भाई वो मतलब बुझने के बाद जब वो पूरा जल जाता है तो उसके बाद उसके आटे को डॉगीज़ खा लेते थे या गाय खाती थी, तो मुझे लगा ये पूरा ही यूटिलाइज़ हो जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको ठीक लगती है मेरी बात तो ज़रूर आप भी इसे बनाएं। और आप जो रंगोली वगैरह बनाते हैं ना कहीं पे डेकोरेशन के लिए गाइस, तो वहाँ पे भी आप इस टाइप के छोटे छोटे दिए बना के रख सकते हैं। तो एक तो रंगोली की डिज़ाइन और साथ में ये डिज़ाइन तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी आपकी जो भी डेकोरेशन होगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक और लोई बनाई है, लोई मतलब पेड़ा टाइप से जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, उसको मैंने थंब से प्रेस कर दिया चार जगह। आपको जितने बनाने हैं ना उस टाइप से आप प्रेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चार ही करने हैं। और फिर आगे से मैं दबाते हुए उसको दिए का आकार दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से प्रेस करें, मेक श्योर कि वो सारा सही से हो, गहराई भी उसमें इतनी बन जाए कि आराम से बत्ती के अंदर कुछ घी या तेल उसके अंदर स्टे कर सके, ताकि दिया हमारा अच्छे से जले। अब इसके ऊपर मैं एक और ऐसी छोटी सी लोई बना के उसे मैंने अंगूठे से दबाते हुए गोल गोल कराया, जिससे ऊपर की साइड हम एक और दिया जलाएं, मतलब दिए का आकार दे सकें, जिससे इसमें क्या है जैसे मैंने नीचे चार किए फिर ऊपर एक, तो यानी कि पांच दिए टाइप से बन जाएगा। अब इसमें मैं टूथपिक से डिज़ाइन कर रही हूँ, कलर नहीं लिया इसमें मैंने, नॉर्मली टूथपिक को प्रेस कर रही हूँ, तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स बनते जा रहे हैं। आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है गाइस, आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर भी दाल वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी डार्क कलर की जो दाल हो जो इसमें दिखाई दे उस टाइप की आप दाल लगा सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छी डिज़ाइन लगे अपने मन में जो आपको भाई आप वो कर सकते हैं। तो गाइस इसमें मुझे तो लगता है कि जो डॉगीज थे उनको शायद इसमें टेस्ट आता होगा कि ये पक जाता होगा, जैसे दाल बाटी नहीं बनती है बाटी जिसके अंदर हम कच्चे आटे के अंदर घी डाल के उसको चूल्हे के अंदर पका देते हैं, रख देते हैं, तो घी तो इसके अंदर होता ही है, आटा ये है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से डॉट्स बना रही हूँ, सारे में मैं ऐसी डॉट्स बना दूँगी, आप भी ऐसे बना सकते हैं और जितनी अट्रैक्शन करनी है। तो मुझे लगता है उनको लगता होगा कि हाँ भाई ये ना पक गई है, क्योंकि घी होता ही है इसके अंदर, आटा ये है ही, और जलने की वजह से ये आटा सिक भी जाता होगा, तो शायद उनको ये टेस्टी लगता होगा। ऐसा नहीं था कि वो भूखे होते थे, क्योंकि हमारी जो गली के डॉगीज थे उनको हम लोग टाइम से हमारे सारे गली वाले खाना देते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके मन में ये होता होगा। इसलिए मैं आपके साथ ये बात भी शेयर कर रही हूँ कि हाँ आप इस आटे के जो दीपक हैं इनको आगे दे सकते हैं। अब आप इस तरीके से मैंने एक और राउंड बनाया है, अब इसके ऊपर मैं ये जो चने की दाल होती है ना इस वो लगा रही हूँ, येलो दाल होती है उसको प्रेस करो। यहाँ पे मैंने टूटी हुई दालों का यूज़ किया, आप साबुत दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम देखिए कितना मतलब सिंपल सी चीज़ की है लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस टाइप की दी मतलब मैंने तो आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन बताई है, आप इसमें से जो आपको इजी लगे ना वो वाली डिज़ाइन बना लीजिए, ज़रूरी नहीं कि सारी ही बनानी है। और जब भी जैसे आपको जलाना है उससे एक दो घंटे पहले आप इसको बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको पिंच करती जा रही हूँ, जिससे ये नोक सी निकल रही है और एक और डिज़ाइन तैयार हो गई हमारी। तो देखिए कितना सिंपल सा है ना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्या से क्या बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे परंपरा में पहले से ही था, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और कुछ भी नहीं है। और देख लीजिए हमारे दिए की एक और डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और डेकोरेट कर देते हैं। इसमें रेड कलर से मैं डॉट बना रही हूँ, मैंने इसमें ईयरबड ले रखा है, थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जा रही हूँ जिससे थोड़ा गहराई भी आती जाए।
और ये देखिए खूबसूरत सा बन गया। गाइस ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये सीड प्रेजेंटेशन जलाकर, आप बताइए ये कैसे लग रहे हैं। और मैंने बनाए हैं तो मुझे तो खूबसूरत लगेंगे ही गाइस, बट ये देखिए ये सिंपल जो नॉर्मल है, कोई कलर नहीं कुछ नहीं है, ये भी कितना प्यारा लग रहा है सारे, तो मुझे तो प्यारे लगेंगे मैंने बनाए, बट आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिए, आगे शेयर भी करना आप वीडियो को, तो ज़रूर बताएं। तो देखा गाइस कितनी आसानी से बन गए खूबसूरत से भी, आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस एक बात और बताना चाहूँगी, ये दिया हमने आटे से बनाए हैं, आटा या दाल या जो कुछ भी मैंने यूज़ किया वो घर में अवेलेबल होता है, तो बजट फ्रेंडली तो ये है ही। साथ में इस दिए को आप आटे का है तो अपनी छत पे अगर रखते हैं तो इसे जो भी पक्षी हैं वो खा सकते हैं, गाय वगैरह खा सकती हैं, और अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी या नहर है अगर आप उसमें प्रवाहित करते हैं तो ये मछलियों का या फिर उसमें रहने वाले जीवों का भोजन बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, तो आप इसे पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा इसमें कुछ भी। तो इन्हें ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और आपको कैसी लगी है वीडियो ये भी मुझे बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।